हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शमा और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक ज्वेलरी के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो हमारी जो पहले के लोग थे हमारे, वो पारंपरिक ज्वेलरी को ही यूज़ करते थे उस टाइम पर। वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी दिखने में। तो मैं आज बताऊंगी कि क्या क्या पारंपरिक ज्वेलरी उस समय लोग पहनते थे। तो जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगी ये नथ। पहले के टाइम पे इस टाइप की नथ होती थी, ये ऐसे पहनते थे और ये बहुत सिंपल इसका ये देखिए इस टाइप से, और इसका देखिए डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत है। मेरी दादी यही नथ पूरे टाइम पहन के रखती थी, जब काम भी करेगी कुछ भी करेगी तो ये नथ उनकी हमेशा पहनी रहती थी। मैं कोशिश करूंगी उनकी एक फोटो में शेयर करूंगी इस पे। तो वो उन्होंने पूरे जीवन में ये नथ अपने नाक में ऐसी मतलब डाल के मतलब हमेशा इस नथ के साथ उन्होंने पूरा काम किया है। तो वो बहुत खूबसूरत लगती है ये नथ। और देखिए इसका ये चीज़ भी कितना अभी काफ़ी ये बहुत मोटा है, हम लोगों की तो नाक में ये जाएगा भी नहीं। और लेकिन उस टाइम के लोगों के ये जो होल होता था नाक का, काफ़ी ये नथ पहन पहन के काफ़ी इतना हो जाता था कि ये नथ उसमें आ जाती थी। ये और इसके बाद आती है ये नथ। जब उस नथ का थोड़ा थोड़ा सा फैशन बोलेंगे कि पहले के लोग, क्योंकि देखा होगा फिर उसकी मोटाई काफ़ी है तो वो पहनना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद आई याली नथ। तो याली नथ पहननी थोड़ा पॉसिबल है। और मैंने इसके इसमें मेरी है करवा चौथ की फ़ोटो मैंने इस नथ के साथ अपनी डाली है। और उसके बाद इसे बोलते हैं टिहरी नथ, टिहरी गढ़वाली नथ है ये, और ये बहुत फेमस नथ है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसे पहनने के बाद एक अलग ही लुक आता है। और एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो एक ये है, ये उस टाइम पे इसे बुलाक बोलते हैं और कहीं कहीं मुझे लगता है नेपाली ये लोग इसे बल्क बोलते हैं। और इसको यहाँ पर ये चीज है, आजकल तो फैशन भी है, मैंने देखा काफी लोग यहाँ पर भी नाक छिदवाती है लड़कियां, तो ये यहाँ पर एक नाक छिदवाते थे और इसको ऐसे ही परमानेंट ये लोग पहनते थे आफ्टर मैरिज और इसे ऐसे यूज करते थे और ये बहुत खूबसूरत लगता है। अभी तो लोग छोटी छोटी नथ नहीं मैंने देखा यहाँ डालते हैं, तो उस टाइम पे ये इसलिए ब्लैक है। ये उत्तराखंड की ये एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी में से एक है। और उस टाइम एक और चलता था जिसे ये इसे बोलते हैं तिमड़िया, ये है तिमड़िया। ये उस टाइम पे ये देखिए इस टाइप का इसका लुक होता था। ये देखिए इस टाइप के इसमें ऐसे तीन इस टाइप के ऐसे डिजाइन है और इसका डिजाइन देखिए ये बहुत ही उस टाइम के जो सुनार होते थे बड़ी खूबसूरती से इसको इसका डिजाइन ऐसे बड़े अच्छे से इन्होंने इस पे उकेर रखा है और बहुत ही खूबसूरती से इसे डिजाइन किया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये उत्तराखंड के एक पारंपरिक जेवर में से एक खूबसूरत जेवर है जिसे बोलते हैं तिमड़िया। और उसके बाद आता है कि आप लोग इयर रिंग्स तो जैसे ऐसे भी पहनते होंगे, तो ये झाले, इस टाइप के झाले, ये उत्तराखंड का एक पारंपरिक इसे झुमके बोलते हैं, डोली वाले झुमके इसे बोलते हैं। अगर आप लोगों का आप इसके ऊपर ऐसी चैन लगा सकते हैं तो ये उत्तराखंड की एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी में से एक है। ये झाले के बाद, ये तिमड़िया के बाद, गुलाक के बाद और नथ के बाद एक और पारंपरिक जो एक ज्वेलरी एक जो पारंपरिक गहना है ये उत्तराखंड का बहुत फेमस है, उसे बोलते हैं ये पौची। ये पौची मैंने आपको पहले आपने गोल्ड में भी देखी होगी, लेकिन ये मेरी मम्मी की ज्वेलरी है जो मैं पहन रही हूँ। और जैसे मायके में आई हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी आप लोगों के साथ मैं इसका एक ब्लॉग शेयर करूं, एक ताकि आप लोगों को पता चले कि जो हमारे हमारे आजकल की जनरेशन को पता नहीं है कि कैसी कैसी ज्वेलरियां हमारे उस समय चलती थी। तो इसी के जरिए मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि देखिए इस टाइप की, और ये चांदी के मैंने करवा उसमें करवा चौथ में देखा होगा आपने, सोने की मेरे पास थी तो ये चांदी की ज्वेलरी है, ये मेरी मम्मी की शादी का है, मेरे नाना ने दिया था। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखिए, बल्कि ये गोल्ड से भी ज़्यादा बहुत ही प्यारा लग रहा है ऐसे पहन के देखिए।
देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और चांदी का तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और एक उत्तराखंड की जो बहुत ही फेमस जो एक ये गहना है, इसे बोलते हैं गुलाबंद। गुलाबंद आपने करो जो आपने भी देखा होगा, मैंने वियर किया था ये, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें देखिए कितनी खूबसूरती से इसके इसमें ये पत्तियाँ होती है, 5 पत्ती 7 पत्ती इस टाइप की पत्तियाँ होती है। और ये पीछे से इसका जो कपड़ा होता है ये वेलवेट का एक ऐसी सिंपल क्लॉथ होता है, इसलिए ये वेलवेट का कपड़ा है। और इस पर ये डिज़ाइन इस पर ये इस टाइप की पत्तियों का डिज़ाइन होता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन बनाए गए हैं। और ये ज्वेलरी उत्तराखंड में ही चलती है ज़्यादा और बहुत खूबसूरत लगती है। इसे पहन के एक अलग ही लुक आता है, और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनो तो एक अलग जो लुक होता है वो अलग ही लुक आता है। तो देखिए मैंने कुछ कुछ ज्वेलरी ये वियर की है। एक मैंने प्लेन नथ जो है वो मेरे नाक में तो जाएगी नहीं, पर ये वाली नथ है ये हम लोग वियर करते हैं अक्सर, जब भी कुछ हमारा कुछ भी हमारे यहाँ त्यौहार होता है या दिवाली होती है या जैसे शादी होती है, शादी में जो बांध होता है उसमें जो दुल्हन के या दूल्हे के घर वाले जितने होते हैं हम लोगों को नथ पहनना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे पास जो अगर हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, जबकि आजकल लोग बहुत कम है जो जिनके पास ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, पहले के लोग उनके पास होंगे तो ये ज्वेलरी ये जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है ये चीज़ें हैं ये मेरी भी नहीं है, मेरी मम्मी की है। तो इसलिए मैं यहाँ आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करती हूँ इसका ट्रेडिशनल ज्वेलरी का। तो इसलिए देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है। वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो ट्रेडिशनल ज्वेलरी वाली ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अगर आपको अच्छी लगेगी तो। और जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाय।